इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। गुजरात में कल दोपहर 1:30 बजे होगा भूपेंद्र पटेल कैबिनेट का विस्तार। अहमदाबाद में तैयारियां जोरों पर, समारोह के लिए लगाए जा रहे हैं टेंट। गुजरात में भूपेंद्र पटेल मंत्रिमंडल में बड़े फेरबदल की तैयारी। रूपाणी कैबिनेट में शामिल, सभी 22 मंत्री हटाए जाएंगे। कैबिनेट में सारे नए चेहरे होंगे शामिल। गुजरात के डिप्टी सीएम नितिन पटेल भी हटाए जाएंगे। आरसी फलदू, भूपेंद्र सिंह चुडासमा को भी जगह नहीं। चुनाव को देखते हुए नो रिपीट थ्योरी पर काम कर रही है बीजेपी। सूत्रों का दावा, समय से पहले भी गुजरात में विधानसभा चुनाव कराने के संकेत। पूर्व सीएम विजय रूपाणी का खुलासा, इंडिया टीवी से कहा, मुझे पद छोड़ने के लिए हाईकमान से कहा गया। संगठन महासचिव ने मुझे हाईकमान का मैसेज दिया। विजय रूपाणी ने कहा, पार्टी ने आने वाले चुनाव को देखकर नेतृत्व में किया परिवर्तन। जातिगत समीकरण के कारण इस्तीफा मांगे जाने से किया इनकार। रूपाणी बोले, पाटीदार को मुख्यमंत्री बनाने का नहीं था कोई दबाव। पार्टी को गुजरात में हार का कोई खतरा नहीं। लोकसभा से लेकर स्थानीय सभी चुनाव में जीत दर्ज की। मोदी कैबिनेट की बैठक में बड़ा फैसला, टेलीकॉम सेक्टर के लिए राहत पैकेज को मंजूरी। वोडाफोन जैसी कंपनियों को मिलेगी राहत। कैबिनेट की बैठक में ऑटो सेक्टर के लिए पीएलआई स्कीम को भी दी मंजूरी। इलेक्ट्रिक और हाइड्रोजन फ्यूल व्हीकल पर रहेगा जोर। टेरर मॉड्यूल पर महाराष्ट्र के गृहमंत्री ने की बड़ी बैठक। मुंबई के पुलिस कमिश्नर और एटीएस चीफ थे मौजूद। बैठक के बाद बोले महाराष्ट्र के गृहमंत्री दिलीप वलसे पाटिल, मीटिंग में अधिकारियों ने दिया आतंकियों के बारे में जानकारी। थोड़ी देर में एसटीएफ चीफ करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। महाराष्ट्र के गृहमंत्री ने कहा, मामला काफी संवेदनशील, एटीएस की पूरे मामले पर नजर। सियासत न करने के लिए कहा। मुंबई में आतंकियों को पकड़ने जाने को पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने बताया खतरे की घंटी। कहा, मामला बेहद गंभीर, ऐसे लोगों को ढूंढना बेहद जरूरी। कल गिरफ्तार दो और आतंकियों जिशान और मोहम्मद आमिर जावेद की दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में पेशी। कोर्ट ने दोनों को 14 दिन की पुलिस रिमांड में भेजा। आधी रात को हुई थी बाकी 4 आतंकियों की पेशी। कोर्ट ने 14 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा। पुलिस रिमांड में लेने के बाद सभी आतंकियों को लाया गया दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल के दफ्तर। साजिश के बारे में होगी पूछताछ, फिर आतंकियों को लेकर सबूत तलाशने जाएगी पुलिस। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने आतंकियों के पास से बरामद किए 2 आईडी, जिनमें 1 किलोग्राम आरडीएक्स का किया गया था इस्तेमाल, 2 हैंड ग्रेनेड और इटालियन पिस्टल और कारतूस भी जब्त। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल हथियारों की गुत्थी सुलझाने में जुटी। पंजाब में ड्रोन से गिराए गए हथियारों से मिलते जुलते हथियार गिरफ्तार आतंकियों से मिले। पुलिस की पूछताछ में ओसामा ने बताया, लखनऊ से फ्लाइट से पहुंचा था मस्कट, जिशान के साथ उसने कई बार नाव बदलने के बाद ले जाया गया पाकिस्तान के शहर जियोनी। आतंकियों से पूछताछ में खुलासा, पहले भी डी ग्रुप के लिए काम कर चुका है जान मोहम्मद शेख उर्फ समीर। हथियार को इधर से उधर लाने के लिए बरेली के मूलचंद उर्फ लाला को किया था हायर। महाराष्ट्र एटीएस चीफ विनीत अग्रवाल का बयान, आतंकी जान मोहम्मद का डी कंपनी से पुराना कनेक्शन। जान मोहम्मद ने 9 तारीख को दिल्ली जाने का प्लान बनाया। त्योहारों के दौरान भीड़भाड़ वाले इलाकों में ब्लास्ट करना चाहते थे आतंकी। महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों को दहलाने की थी साजिश। आतंकियों के अंडरवर्ल्ड के जरिए हो रही थी फंडिंग। दाऊद का भाई अनीस इब्राहिम दोनों का हैंडलर था। आतंकियों की गिरफ्तारी पर बोले यूपी के कानून मंत्री बृजेश पाठक, ऐसी सजा दें कि कई पीढ़ियां याद करेंगी। दिल्ली में महिला कांग्रेस के स्थापना दिवस समारोह में शामिल हुए राहुल गांधी, सोनिया गांधी, जिंदाबाद के लगे नारे। उम्मीदवारों से 11,000 रुपए का चंदा मांगने पर अजय लल्लू की सफाई, का चंदा नहीं सहयोग राशि, कोई राजनीतिक पार्टी सहयोग से ही चलती है। भवानीपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी के रिटर्निंग ऑफिसर ने बीजेपी उम्मीदवार प्रियंका टिबरीवाल को भेजा नोटिस, पूछा उनकी आगे की रैलियां क्यों न रोकी जाए। प्रियंका को शाम 5 बजे तक देना होगा जवाब। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा नई एक्साइज पॉलिसी से सरकार को हर साल 3500 करोड़ ज्यादा राजस्व मिलेगा। नवंबर से इसका फायदा मिलना शुरू होगा। दिल्ली में पटाखों की बिक्री, स्टोरेज और इस्तेमाल पर रोक। प्रदूषण को देखते हुए केजरीवाल सरकार ने लिया फैसला। दिल्ली में अभी 8वीं क्लास तक के नहीं खुलेंगे स्कूल, डीडीएमए ने जारी किया आदेश। महामारी के बीच दिल्ली वालों के लिए राहत की खबर, डीडीएमए ने कहा कल से दिल्ली में सार्वजनिक मेलों प्रदर्शनियों की दी जाएगी इजाजत। ओबीसी को राजनीतिक आरक्षण देने की मांग पर नागपुर में बीजेपी का प्रदर्शन। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सीएम उद्धव ठाकरे का जलाया पुतला, मुर्दाबाद के लगाए नारे, रास्ता जाम किया। प्रदर्शन में बीजेपी विधायक और संगठन प्रभारी शामिल। प्रदेश महामंत्री चंद्रशेखर बवनकुले का आरोप, सुप्रीम कोर्ट में ओबीसी आरक्षण का पक्ष रखने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने नहीं दिया वकील, 6 महीने से टालमटोल कर रही है। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह बने उत्तराखंड के नए गवर्नर। राजभवन में हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश आरएस चौहान ने दिलाई शपथ। गाजियाबाद के लोनी में किसानों का अनोखा प्रदर्शन, खबर खोद कर जिंदा लेटे किसान। सरकार से जमीन अधिग्रहण का एक समान और सही मुआवजा देने की मांग की। तीनों किसान कानून को लेकर पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिद्धू का अकाली दल पर हल्ला बोल, कहा काले कानून के पीछे अकाली दल का आइडिया। सिद्धू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा मोदी सरकार के पास किसान कानून का आइडिया लेकर गए बादल। 2013 में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट पंजाब विधानसभा में कराया पास। सिद्धू ने कहा पंजाब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट किसान कानून की आत्मा, मोदी सरकार ने पास किया केवल शरीर। पंजाब सरकार के एक्ट में कहीं एमएसपी का जिक्र नहीं। सिद्धू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की एक एक धाराएं पढ़कर सुनाई, कहा अकाली दल ने किसानों के कोर्ट जाने का हक छीना।
बागपत में राकेश टिकैत का असदुद्दीन ओवैसी पर हमला, ओवैसी को कहा बीजेपी का चचा जान, यूपी में बीजेपी को जिताएंगे ओवैसी। राकेश टिकैत ने ओवैसी बीजेपी पर लगाया साठगांठ का आरोप, कहा ओवैसी को बीजेपी का पूरा आशीर्वाद, वो गाली देगा लेकिन कोई मुकदमा नहीं होगा। ओवैसी और बीजेपी ए और बी टीम, चुनाव से पहले बीजेपी ओवैसी साजिश रचेंगे। टिकैत के चचा जान वाले बयान पर एआईएमआईएम प्रवक्ता असीम वखार का पलटवार, कहा 2002 के नतीजों से होगा साबित, 2022 के नतीजों से होगा साबित, बीजेपी के लिए खेल रहे हैं खेल टिकैत। यूपी के उद्योग विकास मंत्री सतीश महाना ने राकेश टिकैत को दिया जवाब, बोले यूपी का किसान समझदार, ना वो ओवैसी के बहकावे में आएगा ना राजनीतिक स्वार्थ साधने के नाम पर आंदोलन करने वालों के साथ। पंजाब के बीजेपी प्रवक्ता हरिंदर सिंह कहलों का बड़ा बयान, कहा अगर वो पीएम मोदी की जगह होते तो कृषि कानून का विरोध कर रहे किसानों को पीटते और जेल में डाल देते। पश्चिम बंगाल में बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह का बड़ा बयान, कहा पुलिस और टीएमसी हत्या की रच रही है साजिश, ममता बनर्जी ने पुलिस को हत्या करने का दिया आदेश। अर्जुन सिंह ने कहा मेरे भवानीपुर के इंचार्ज बनाने पर भड़की टीएमसी, बंगाल में कानून का राज नहीं, केंद्र सरकार की चुप्पी पर भी सवाल खड़े किए। राजस्थान कांग्रेस में नया घमासान, पायलट समर्थक विधायक वेद प्रकाश सोलंकी का बड़ा आरोप, कहा मुझे ब्लैकमेल करने के लिए महिलाओं का लिया गया सहारा। वेद प्रकाश सोलंकी ने खुद को हनी ट्रैप में फंसाए जाने की जताई आशंका, कहा महिलाओं ने मुझे किया वीडियो कॉल, कई महीने पहले शिकायत की, अब तक नहीं हुई कार्रवाई। यूपी कांग्रेस ने पार्टी का टिकट मांगने वालों से 11,000 रुपए का दान करने के लिए कहा, यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने जारी किया आदेश। लालू यादव के बेटे तेज प्रताप से ठगी, अपनी अगरबत्ती कंपनी के कर्मचारी पर 71,000 रुपए हड़पने का लगाया आरोप। एलजेपी सांसद प्रिंस राज रेप मामले पर बोले चिराग पासवान, पीड़ित और प्रिंस राज दोनों को एफआईआर दर्ज कराने की दी गई थी सलाह, बोले जो भी दोषी हो उसको सजा मिले। केस में अपने नाम का जिक्र होने पर बोले चिराग पासवान, कहा मेरा नाम आरोपी के तौर पर दर्ज नहीं, मुझे वारदात की थी जानकारी लेकिन मैंने ही केस दर्ज करवाने का दिया था सुझाव। पंजाबी सिंगर गुरदास मान को हाईकोर्ट से मिली अग्रिम जमानत, एक हफ्ते में जांच में शामिल होने के आदेश, धार्मिक भावना आहत करने का आरोप। मध्यप्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में डेंगू से जंग जनता के संग अभियान की शुरुआत की, कैंपेन के जरिए लोगों को किया जाएगा जागरूक। सीएम शिवराज ने कहा डेंगू और मलेरिया से जरूर निपटेंगे, लोगों से भी सावधानी और लावा को समाप्त करने की अपील की। उत्तर प्रदेश और मणिपुर का चुनाव लड़ेगी जेडीयू, बीजेपी से गठबंधन की कोशिश, बात नहीं बनी तो अकेले लड़ेगी चुनाव। जेडीयू के यूपी से चुनाव लड़ने पर बोले बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, कहा दूसरे राज्यों को छोड़िए जनता दल यूनाइटेड बिहार की तीसरी नंबर की पार्टी है। मायावती ने ट्वीट कर यूपी में सड़कों की दुर्दशा पर उठाए सवाल, लिखा सड़क पर हुए गड्ढों से हुए हादसों में कई लोगों की दर्दनाक मौतें हुई, हादसों को योगी सरकार की विफलता बताया। लखनऊ में सीएम योगी ने फिर लगाया जनता दरबार, लोगों से मिले सुनी समस्याएं। जनता दरबार के बाद सीएम योगी ने टीम 9 के साथ की मीटिंग, बुखार और डेंगू को लेकर हालात का जायजा लिया, कोरोना की थर्ड वेव से निपटने की तैयारियों का लिया जायजा। पीएम मोदी के बर्थडे पर कर्नाटक में चलेगा रक्तदान और टीकाकरण अभियान, 17 सितंबर हेल्थ केयर पर विजन डॉक्यूमेंट लेकर आएगी सरकार। प्रयागराज में डेंगू का डंग, डेंगू के 97 नए मामले सामने आए, 9 मरीजों को अस्पताल में कराया गया भर्ती, किसी की नहीं हुई मौत। उत्तर प्रदेश के मथुरा में भी बड़े डेंगू के मामले, अब तक मिले 287 केस, सीएमओ की लोगों से अपील सरकारी अस्पताल में ही हो भर्ती। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में डेंगू के मामलों में बढ़ोतरी, डेंगू के 21 मामले आए सामने, सीएमओ ने कहा रोज 5 डेंगू के मरीज आ रहे हैं। कानपुर में बुखार का कहर, सीएमएस ने कहा शहर में रोज करीब 100 मामले आ रहे हैं जिनमें से 2 डेंगू के पॉजिटिव केस। मुंबई क्राइम ब्रांच ने शिवाजी नगर में अवैध गैस कारखाने पर मारा छापा, 14 बड़े और 105 छोटे गैस सिलेंडर के अलावा 541 खाली सिलेंडर बरामद, 5 लोग गिरफ्तार, अवैध तरीके से एलपीजी सिलेंडर में गैस भर रहे थे आरोपी। दिल्ली में जनपथ रोड पर चलती कार में अचानक लग गई आग, धू धू कर जली कार, कार में सवार असिस्टेंट कमांडेंट सहित 3 लोगों ने बाहर निकलकर बचाई जान। बेंगलुरु के इलेक्ट्रॉनिक सिटी फ्लाईओवर पर दर्दनाक हादसा, तेज रफ्तार कार ने मारी बाइक को टक्कर, फ्लाईओवर से नीचे गिरी बाइक, एक महिला और शख्स की मौके पर मौत। गुजरात के दाहोद में मौत के मुंह से लौटा बाइक सवार, ओवरटेक करते वक्त बस से लगी टक्कर लेकिन बच गई जान। बिहार में पटना साहिब के पास एक स्नैक्स कंपनी की फैक्ट्री में लगी भीषण आग, मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने पाया आग पर काबू। बंगाल में 30 सितंबर तक बढ़ाया गया नाइट कर्फ्यू, रात 11 से सुबह 5 बजे तक रहेगी पाबंदी। देश में कोरोना के 27,487 नए केस सामने आए, 24 घंटे में 281 लोगों की हुई मौत। अमेरिका में तूफान निकोलस ने ढाया कहर, टेक्सास और लुइसियाना में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश, करीब 5,00,000 घरों में बिजली गुल। तूफान निकोलस के कारण अमेरिका में कई जगहों पर हुई 30 सेंटीमीटर तक बारिश, गल्फ कोस्ट पर अगले 2 दिन तक भारी बारिश की चेतावनी। अफगानिस्तान में तालिबान ने इंसानियत को फिर किया दागदार, 2 जवान लड़कों को सरेआम फांसी पर लटकाया। अमेरिका की पाकिस्तान को 2-2, कहा तालिबान जब तक वादे पूरा न करे तब तक उसे मान्यता ना दे इमरान सरकार। सत्ता संभालने के बाद तालिबान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा अपनी धरती का दूसरे देशों के खिलाफ नहीं होने देंगे इस्तेमाल। तालिबान के विदेश मंत्री ने देश में चुनाव कराने पर नहीं दिया कोई जवाब, अंतरिम सरकार की जगह नई सरकार की कमान संभालने पर भी देता रहा गोलमोल जवाब। मुंबई में गणपति का विसर्जन जारी, अब तक 66,000 से ज्यादा प्रतिमाओं का किया गया विसर्जन, कोरोना की वजह से समंदर किनारे भीड़ दिखी कम। फिल्म एक्टर सोनू सूद ने किया गणपति को विदा, विसर्जन से पहले परिवार के साथ की बप्पा की विधि विधान से पूजा। बिग बॉस फेम राहुल वैद्य और दिशा परमार ने भी धूमधाम से बप्पा को दी विदाई, कृत्रिम तालाब में परिवार के साथ किया गणपति विसर्जन। एकता कपूर ने बप्पा को दी भावुक विदाई, गणपति विसर्जन में शामिल हुए जितेंद्र और तुषार कपूर।
सस्ता हुआ होम लोन, एसबीआई ने होम लोन की ब्याज दर में की कटौती, अब 7.45% पर मिलेगा कर्ज। टीम इंडिया के कोच रवि शास्त्री आज भारत लौट सकते हैं, भारत आरटीपीसीआर रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद ही होगी वापसी। दक्षिण अफ्रीका ने श्रीलंका के साथ चल रही टी20 सीरीज में 3-0 से किया क्लीन स्वीप, क्विंटन डिकॉक और हेनरिक की हाफ सेंचुरी की मदद से 10 विकेट से जीता मैच। श्रीलंका के गेंदबाज लसित मलिंगा ने क्रिकेट को कहा अलविदा, 38 साल के मलिंगा ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से लिया संन्यास। इंग्लैंड के तेज गेंदबाज क्रिस वोक्स ने आईपीएल में दिल्ली कैपिटल्स टीम से हटने की बताई वजह, आईपीएल की बजाय टी20 वर्ल्ड कप और एशियज में खेलना पहली पसंद। आईपीएल 2022 में दो नई टीमों को लेकर 17 अक्टूबर को होगा ऑक्शन, 2022 आईपीएल में 10 टीमें भिड़ेंगी। आईपीएल शुरू होने से पहले चेन्नई सुपर किंग्स को झटका, ओपनर फाफ डु प्लेसिस कैरेबियन प्रीमियर लीग में हुए चोटिल। चेन्नई सुपर किंग्स के दूसरे ओपनर सैम करेन भी मुंबई के खिलाफ पहले मैच में नहीं खेल सकेंगे, इंग्लैंड से वक्त पर नहीं पहुंच सके यूएई। कैरेबियन प्रीमियर लीग 2021 के फाइनल में पहुंची सेंट लुसिया और सेंट किट्स एंड नेविस पेट्रियट्स की टीम, आज सीपीएल को मिलेगा एक सीजन का चैंपियन। गैर कानूनी इमिग्रेशन पर आधारित होगी शाहरुख और डायरेक्टर राजकुमार हिरानी की अपकमिंग फिल्म। कनाडा में बसने का सपना संजोने वाले पंजाबी मुंडे की दिखाई जाएगी कहानी, सीता के किरदार में नजर आएंगी कंगना रनौत। सोशल मीडिया पर पोस्टर शेयर कर लिखा जय सिया राम। दीपिका पाडुकोण रणवीर सिंह ने अलीबाग में खरीदी प्रॉपर्टी, 2 बंगले और 1 नारियल का बगीचा शामिल। बॉलीवुड के लिए बड़ी खुशखबरी, टी सीरीज और रिलायंस फिल्मों में 1000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेंगे सोनी पिक्चर्स, अगले एक साल में 17 फिल्में करेगा रिलीज। बाहुबली सीरीज की शूटिंग नवंबर में शुरू होगी, प्रोड्यूसर सीरीज को रियल लोकेशंस पर करेंगे शूट, केरल कर्नाटक में हो सकती है शूटिंग। बाहुबली सीरीज में साउथ की सुपरस्टार नयनतारा करेंगे डिजिटल डेब्यू, शाहरुख की फिल्म की शूटिंग के बाद यूनिट से जुड़ेंगी। ब्लॉकबस्टर फिल्म बाहुबली में शिवगामी का इतिहास किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस राम्या कृष्णन का जन्मदिन आज, राम्या से पहले श्रीदेवी को ऑफर हुआ था शिवगामी का रोल। कौन बनेगा करोड़पति में नजर आएंगे गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा और हॉकी प्लेयर श्रीजेश, अमिताभ के सामने हॉट सीट पर लगन, कड़ी मेहनत और संघर्ष की अपनी कहानियां बताते नजर आएंगे। और दिल्ली के शास्त्री नगर में एक्ट्रेस के साथ लूटपाट, बदमाशों ने बंधक बनाकर लूटे 7 लाख रुपए, मौसी के साथ रह रही निकिता रावल घटना के वक्त घर पर थी। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।